हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिम्मी। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी ब्लॉगर सिम्मी की रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि हरी धनिया को साल भर के लिए स्टोर कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें पानी पूरी बनानी हो, चटनी वगैरह बनाना हो, आलू के पराठे बनाने हो, किसी भी तरह के पराठे बनाने हो, तो हम धनिया को उपयोग में ला सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि हरी धनिया को हम साल भर के लिए स्टोर कैसे कर सकते हैं। इस समय मार्केट में धनिया बहुत ही सस्ती आ रही है, 10 रुपए की बड़ी सी गड्डी आ जा रही है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हम स्टोर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव हरी धनिया ली है, जिसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे पानी में हम धुल लेंगे। इस तरह से हम बड़ी सी परात वगैरह या भगोने हो, किसी में भी हम इसे अच्छी तरह से डुबो डुबो कर धुल लेंगे, ताकि इसमें जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। और इस तरह की हम छलनी लेंगे, उसी में हम धनिया को डाल देंगे, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे पंखे के नीचे। तो देखिए, इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल चुका है, अच्छे से ड्राई हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल हमें हरा हरा ही धनिया लेना है। इस तरह की छलनी में हम रखेंगे ना, तो सारा एक्स्ट्रा पानी इसका अच्छी तरह से निचुड़ जाएगा, या तो आप कपड़े पर भी फैला के रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इसको अच्छे से पंखे के नीचे ही हम डालेंगे। इसे हमें इसे धूप में बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो हमारा धनिया का जो हरा कलर है वो चला जाएगा। अगर हम पंखे के नीचे डाल के इसे सुखाएंगे तो हरापन बहुत ही अच्छे से इसका रहेगा। तो हम इस तरह से कट करेंगे इसे। और इसे छोटा छोटा कट करेंगे। इस समय मार्केट में हरी धनिया बहुत ही सस्ती आ रही है और बहुत ही अच्छी। गर्मी में तो बहुत ही महंगी हो जाएगी, 250-300 किलो तक ये धनिया जाती है, और उतनी अच्छी भी नहीं मिलती है। तो इस समय हम इस तरह से रख लेंगे ना, तो गर्मी में हमें बहुत ही काम आएगी। तो हम इसे छोटा छोटा कट कर लेंगे। हमें इतना ध्यान देना है कि इसे हमें धूप में बिल्कुल नहीं डालना है, हमें इसे पंखे के ही नीचे सुखाना है। ये जो डंठल हम रख रहे हैं, इसको भी हम कट करेंगे। पहले हम धनिया की पत्ती को कट कर लेते हैं, उसके बाद हम डंठल को भी कट करेंगे, डंठल को भी हम सुखाएंगे। जैसे हमें गोलगप्पे बनाने हो या चटनी बनानी हो, तो हरी धनिया रहती है तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो इस तरह से हम स्टोर करके रख देंगे। अगर हम इसे 1 साल तक स्टोर करके रख देंगे तो हमारी धनिया बहुत ही अच्छी से रहेगी, एकदम ग्रीन ग्रीन। तो हम इसे छोटा छोटा कट कर लेंगे और हम इसे फैलाते जाएंगे इस तरह से। एक दिन से 2 दिन ही लगता है इसे एकदम बढ़िया से अच्छे से ड्राई हो जाती है, एकदम कुरकुरापन आ जाता है इसमें, बहुत ही अच्छे से पंखे के नीचे सूख जाती है। तो देखिए, हम डंठल को निकाल के छलनी में रख रहे हैं, अभी हम डंठल को भी कट करेंगे।
पहले तो मैंने धनिया को साफ़ कर दिया था, पर सूखने के बाद जो भी पत्ते थोड़ा सा हल्के ब्लैक दिख रहे हैं हम इसे अलग निकाल देंगे। जो भी पत्ते अच्छे नहीं हैं उसे निकाल दीजिए, उसे बिल्कुल मत काटिए। तो इसी तरह से हम अपनी सारी धनिया की पत्ती को कट करके फैला देंगे। तो ये देखिए मैंने कट करके बहुत ही पतले लेयर में फैला दी है। बहुत ही पतला हमको इसे फैलाना है हल्के हाथों से। कॉटन का कपड़ा हो या साड़ी हो किसी पर भी हम इसे अच्छे से फैला सकते हैं। और अब हम डंठल को भी कट करेंगे, हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसे भी यूज करेंगे। तो मैंने डंठल भी कट करना स्टार्ट कर दिया है। इसे भी हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। हम इसे अलग फैलाएंगे क्योंकि पत्ती हमारी जल्दी सूख जाएगी। सुबह तक अगर हम इसे कट करेंगे, शाम तक जो है बहुत ज्यादा सा ड्राई हो जाता है। बस एक ही दो दिन लगते हैं, बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। तो इसे हम अच्छे से फिर से फैला देते हैं। जैसे हम बीच बीच में एक दो घंटे पर इसे थोड़ा सा चला देंगे तो नीचे की तरफ भी अच्छे से सूख जाएगा। तो देखिए मैंने धनिया और डंठल को अच्छी तरह से पतला सा फैला दिया है और इसे एक से दो घंटे के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। उसके बाद हम बीच में इसे फिर चलाएंगे। और देखिए इतना सा गंदगी इसमें से निकली है, थोड़ा सा धनिया साफ करने के बाद भी निकला, क्योंकि वो जब सूख जाता है तो हल्की पत्तियां जो खराब रहती हैं वो फिर से ऊपर आ जाती हैं। तो देखिए हल्का हल्का हमारा ड्राई होना शुरू हो गया, ये देखिए सूखना स्टार्ट हो गया है। तो हम इसे पंखे के नीचे डालेंगे, धूप में बिल्कुल नहीं डालेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, तभी हमारे धनिया में अच्छा सा हरा कलर आएगा। बिल्कुल हरी हरी सी रहेगी हमारी धनिया। जब भी हम सब्जी में, पराठे में या गोलगप्पे का पानी बना रहे हैं, किसी में भी डालेंगे हमें, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। इसे हम एक से दो दिन तक सूखने देंगे। तो देखिए धनिया हमारी सूख चुकी है अच्छी तरह से। तो देखिए ना कितना अच्छा कलर इसमें है, एकदम हरा हरा। ये देखिए हम हाथ से उठा के आपको दिखाते हैं। आप ऐसे मेथी भी कट करके सुखा सकते हैं, जिसे हम कसूरी मेथी बना कर रखते हैं ना, सेम इसी तरह से वो भी सुखा के रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, उसमें हम इसे स्टोर करेंगे। आप कांच की भी बॉटल ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अगर आपने नहीं किया है धनिया को इस तरह से स्टोर, तो फटाफट से आप भी बाजार से धनिया मंगाइए और इसी तरह से कट करके आप भी स्टोर करिए। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।